हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीजन फैमिली की बात की थी। एक क्वेश्चन करना आप, अगर मैं H3PO3 को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? सोचो और बताओ। तो सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अभी देखो आप, ये +3 पे है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये टूटेगा तो तोड़ दीजिए तो क्या बनाएगा? एक हायर पे जाएगा और एक लोअर पे जाएगा। समझ में आया? तो एक हायर पे जाएगा और एक लोअर पे जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्साइड तक की बात कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन्स। तो हैलोजन से अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन फैमिली तो EX6। तो अगर रिएक्शन करता है हैलोजन से ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स तो ये हमें देंगे EX6 या EX4 या EX2 टाइप के हैलाइड्स। सोच भी सकते हो आप, मैंने आपको बताया था कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर और +6 ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है, थोड़ा थोड़ा हमें +2 भी मिलता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स जैसे देखते हैं SF6, SF4, SF6, SF4। ठीक है, अब देखिए आप, अगर हम बात करें हैलाइड्स जो बन रहे हैं हमारे हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन करने के बाद उनकी स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा कम रहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे ओवरलैपिंग अपनी कमज़ोर होती जाएगी। समझ में आया? तो SF6 बहुत अच्छा मिलता है, HCl कम मिलेगा, और ये HCl मिलता भी है ना तो डाइमराइज करके मिलता है, बहुत सारे आपको डाई हैलाइड्स मिल जाएंगे, H2Cl2, Sc2Cl2, H2F2। ठीक है, सिलीनियम का Sc2F2 भी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, बताया आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है जिसकी वजह से ये अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखो आप, ये जो Sc2Cl2 है, Se2Cl2, अभी राइट नाउ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो ये अनस्टेबल है ना भाई, अनस्टेबल है ना, या तो +4 पे रहे या +6 पे रहे या +2 पे रहे, तो ये अनस्टेबल है तो ये जाता है +4 पे। तो अब अगर ज़्यादा गया तो एक कम जाएगा +Se, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। बात समझ में आई? इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, SF6 ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एक डाइऑक्सीजन एंड ओजोन। पहला देखते हैं डाइऑक्सीजन। तो ये अपने बाकी ग्रुप वालों से थोड़ा अलग होता है, जैसा नाइट्रोजन हुआ था वैसा ये भी अलग है, वही सेम रीजन, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इफेक्ट दिखता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हमने देखा था हाइड्राइड्स का H2O का केस देखा था ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तीसरा केस देखा था हमने, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता जिसकी वजह से ये मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाता है,
स्टिक कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 देखी गई है, बट बहुत रेयर होता है, तो जनरली हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, बाकी की कोवेलेंसी बढ़ जाती है, राइट। चलिए अब जैसे डाई ऑक्सीजन, सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन देखते हैं, पहला बाय हीटिंग एनी सॉल्ट जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, कंटेनिंग ऑक्सीजन, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये देखो आप, ये रिएक्शन आप इसके पहले भी देखे होंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यही तो लिखा हुआ है कि बाय हीटिंग एनी सॉल्ट कंटेनर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकाल दो आप और कैसे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी हैं, उनको हीट करेंगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाता है, और वो मेटल ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया था बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। अगर यहाँ बात करें तो Ag2O बोला था आपको, थोड़ा हीट करोगे तो ये Ag में और हाफ ओ2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका भाई भी था एक HgO, मेटलर्जी में मैंने आपको ये बताया था, हीट करने के बाद तुरंत ये टूट जाते हैं। नोट डाउन करिए इसको। इसके अलावा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी हीट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये पोटेशियम क्रोमेट पे जाएगा, डी ब्लॉक में वापस ये रिएक्शन आएगी। सॉलिड का कलर बताओ आप, Cr2O3 बताया था आपको, ग्रीन +3 पे है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट तो ये बनता है +6 पे जाता है, ये +MnO2 देगा, +O2 देता है, यहाँ पे ये +6 में है और ये +6 में है, लेकिन यहाँ ब्रेकिंग हुआ है तो +3 में जा रहा है। ये देखो +7 में है, ये +6 में है और ये +4 में है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड को थोड़ी देर तक ऐसे ही रख देते हो तो ये सनलाइट में H2O+O2 में टूट जाता है, ये आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। इसके अलावा HOCl को भी हम थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो ये Cl2+H2O में टूटता है, ये रिएक्शन फिर से आएगी, इसमें अपोजिट में रिएक्शन आएगा कि जब क्लोरीन का हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HOCl देता है, ये रिएक्शन दोबारा से आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया डाई ऑक्सीजन बनाने का। अब यूजेज की बात कर लें तो यूजेज तो आपको बहुत सारे मालूम है, सांस लेने में यूज होता है डाई ऑक्सीजन, और कहाँ यूज होता है बताओ। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत मज़ेदार है, कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में आग लगती है बहुत ज़्यादा, क्या रीज़न है, फॉरेस्ट में ही आग क्यों लगती है, प्लांट्स CO2 अब्जॉर्ब करके O2 रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है जो फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। अब सोचो गर्मी का टाइम है, थोड़ा भी पत्तों के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो
तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट प्रोड्यूस हो गया और ऑक्सीजन है जलने में सहायक करती है, कंबशन का बहुत अच्छा मीडियम है, तो दैट्स वाई जंगलों में आग लगती है। कोई ऐसा नहीं है कि जाकर लगा के आता है, फ्रिक्शन की वजह से और ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे आग लगता है, ठीक है। और समुद्र में जितने जीव रहते हैं, अगर ऑक्सीजन उसमें सोलूबल नहीं होता तो वो भी ज़िंदा नहीं रहते, समझ में आ रहा है। तो ये सारे यूजेज हैं ऑक्सीजन के। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम SO2 से SO3 बनाने में, SO2 से SO3 बनाने में। तो SO3 अगर हमें मिल जाता है, तो मैंने आपको बताया था ये एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किंग ऑफ केमिकल्स है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका यूज करना है हमें, तो ये हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो SO3 बनाते हैं हम SO2 से, यहाँ हम लेते हैं V2O5 एज अ प्रोमोटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वापस से आएगा, कब आएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। और देखो आप, जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, तो हमें मिलता है Cl2 प्लस H2O। अब ये वापस से कब आएगा, देखो क्लोरीन बन रहा है, तो जब हम हैलोजन्स पढ़ेंगे तो क्लोरीन के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे SO3 के प्रिपरेशन में इसका यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिकॉन्स प्रोसेस। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है ऑक्साइड्स की। तो बहुत तरीके का ऑक्साइड हमने देखा, डिफरेंट टाइप का, जैसे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है ओजोन की। ओजोन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो जब डाई ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क में पास करते हैं तो ये टूटता है O+O में, और ये O2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं वैसे, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ओजोन बनाता है। और ये जो रिएक्शन है ये दोनों तरफ जा सकती है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने में डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 2842 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब सोचो अगर कहीं पे ओजोन है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर कहीं ओजोन बहुत ज़्यादा कंटेंट में है, थोड़े देर तक छोड़े तो वापस से ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसलिए बड़े कंटेनर्स में कहीं पे ओजोन को इकट्ठा नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री में मिलेगी और ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, तो एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है कि हमने साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया जिसकी वजह से ये टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होकर ओजोन बनाएगा। ऑक्सीजन का एक मिक्सचर मिलता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसमें 10% ओजोन होता है। अब अगर ज़्यादा कंटेंट चाहिए ओजोन का, तो फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन कराएंगे तो ओजोन का कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट बात आती है यूजेज की। तो पहला यूज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ओजोन लेयर फॉर्मेशन है, ओजोन लेयर, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ठीक है। तो जो सन की लाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करता तो हमारा स्किन कैंसर होने का चांसेस रहता है, राइट।
दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशली इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसका SRP आता है हाफ सेल का वो +2.07 आता है, और बेसिक मीडियम में SRP जो आता है वो +1.77 आता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसका SRP जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन प्लस इसमें SRP हमारा आ रहा है +2.07 और टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे SRP आता है आपका 1.77 वोल्ट। तो जिसका SRP ज़्यादा वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है कब? एसिडिक मीडियम में। बात समझ में आई? इसको लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये टॉक्सिक गैस होती है, टर्पेंटाइल ऑयल में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन टर्पेंटाइल ऑयल। O2 पैरामैग्नेटिक होता है ना भाई, बट ओजोन जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। बात समझ में आ रही है? और ये जब गैसियस फेज में होगा तो ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू गैस। जब लिक्विड फेज में होगा तो ब्लू लिक्विड, और जब सॉलिड फेज में होगा तो वायलेट सॉलिड, उसी टाइप का होता है, ब्लू के टाइप से ही वायलेट भी होता है, तो वायलेट सॉलिड में मिलता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है। क्लियर? लिखिए इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले देखते हैं ये आई नेगेटिव से I2 पे भेज देता है आयोडीन को, तो ये KI को I2 पे कन्वर्ट कर देता है। O3 तो निकलेगा तो O2 बनेगा, ठीक है, और KOH। क्लियर? दूसरा देखते हैं, ये तब होता है जब हमें न्यूट्रल KI मिलता है। अगर अल्कालाइन KI रहे तो ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये अल्कालाइन KI को KIO3 या फिर KIO4 पे भेज देता है। बात समझ में आई? तो अगर यहाँ पे HIO3 रहे तो इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है? K है, तो ये आयोडेट बनेगा, और ये K है तो ये पोटेशियम आयोडेट हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो O4 है, ये +7 है, ये +5 है। +7 वाले को पर आयोडिक एसिड बोलेंगे, अगर HIO4 रहे तो इसको पर आयोडिक एसिड बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम पर आयोडेट। समझ में आ रहा है?
जैसे HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है लिख लो आप। सिमिलरली अगर K2MnO4 है, K2MnO4 है तो मैंगनीज अभी देखो आप प्लस सिक्स पे है तो ये प्लस सेवन पे जा सकता है ना भाई, तो भेज दो आप तो KMnO4 बन जाएगा प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, तो प्लस सिक्स से प्लस सेवन पे भेज दिया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं NO2 के साथ ओजोन मिलाएंगे तो अभी देखो प्लस फोर में है तो कहाँ जाएगा बताओ आप, N2O5 प्लस फाइव में चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं अगर FeCN6 4 नेगेटिव है तो इसको कन्वर्ट कर देगा FeCN6 3 नेगेटिव में, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे Fe अपने प्लस फोर, यहाँ पे Fe अपने प्लस टू पे था, Fe प्लस थ्री पे आ गया। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा अगर मॉइस्ट सल्फर है, फॉस्फोरस है, मॉइस्ट है मतलब इसमें क्या हुआ पानी मिला हुआ है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करता है और इनके एक एसिड पे भेजता है तो H2SO4 बन जाएगा या H3PO4 बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, और फिर ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं बोला था, इसके पहले भी बोला था कि S अगर -2 पे रहे और हाइड्रोजन के साथ रहे तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ तक जाएगा बोलो भाई, मैं बोला था कि -2 से मैक्सिमम ले जाता है तो 0 पे ले जाता है तो कोलाइडल सल्फर मिलता है, बात समझ में आई। अब देखो आप ये सल्फर मिला तो ये 0 पे है, लेकिन अगर H2S की जगह हमने Na2S ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर Na2S लिया तो फिर ये यहाँ जाएगा, H2 नेगेटिव से यहाँ पे जाएगा। बस H2S का केस ऐसा है जिसमें ऑक्सीडाइज करता है और 0 पे भेजता है, ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड बार बार आएगा, मैं वहाँ हर बार आपको याद दिलाते रहूँगा, कुछ दिन में चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो भाई ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जब इसका SRP निकाला गया तो 1.77 आया, और ओजोन का तो निकाल कर देख चुके हो ना कितना आया था 2.07, तो जिसका SRP ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर O3 का रिएक्शन भी कराते हैं हम H2O2 के साथ तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो हमें O2 मिल गया, H2O मिल गया और O2 मिल गया। यहाँ पे देखो ये -1 पे है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे 0 पे पहुँचेगा, बात समझ में आई, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस में ओजोन का यूज करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ वहाँ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर KOH के साथ ओजोन रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है, ये जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। रिएक्शन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दोगे आप तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ओजोन, टेलिंग ऑफ मरकरी, एक फिनोमिना है मरकरी। तो प्योर मरकरी जो होता है वो मोबाइल लिक्विड होता है, मतलब मूव कर सकता है, यहाँ पे है तो इसको आप छोड़ोगे, ठीक है, तो ये यहाँ मूव करता जाएगा, जैसे पानी को हम गिराते हैं ना
तो पानी गिरेगा किसी सरफेस से, जैसे इस पर मैंने पानी डाला तो वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, गिरने लगे नीचे आ जाएगा, स्टिक नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर मैंने मरकरी भी गिराया, इस पर एक ड्रॉप भी गिराया तो वो नीचे आ जाएगा, समझ में आया। लेकिन जब हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कराया इसका, तो अब ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चिपकना शुरू हो जाता है। ये नीचे आएगा, वेट की वजह से नीचे आएगा, लेकिन चिपकना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो हम बोलते हैं कि ये जो लिक्विड हमने लिया था, बड़ा सा एक ड्रॉप लिया था जो एचजी का, उसकी पूंछ निकलने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो पीछे पीछे स्टिकी होता जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। बेसिकली वो H2O बनाता है, इसकी वजह से ये फिनोमिना होता है, ये याद रखना आप। देखो सुपरसोनिक जो जेट्स होती है वो आसमान में उड़ती है, और अगर बात करो आप तो अर्थ के सरफेस से, अगर आप बात करो तो अर्थ के सरफेस से लगभग 13 किलोमीटर दूर पे ऊपर से हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है। बोलो स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है यहाँ पे, और यहीं पे कहीं हमारा ओजोन लेयर है ना भाई, और यहीं पे सुपरसोनिक जेट्स उड़ती हैं, उड़ती हैं। इनमें जो गैस रिलीज होती है वो NO होती है एग्जॉस्ट के रूप में। अब NO है तो वहीं पे ओजोन है ना भाई, ओजोन लेयर में ओजोन है, NO+2 पे इसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो NO2 बना लेता है +O2। तो ओजोन लेयर थी वो O2 में कन्वर्ट हो रही है, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर अपना पतला होता जा रहा था, समझ में आया। इसके अलावा ओजोन जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, क्योंकि उसमें हमने देखा कि नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर बात, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है सल्फर की। सल्फर बहुत सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं, मैनी एलोट्रॉप्स, बहुत ज़्यादा ही एलोट्रॉप्स मिलते हैं, बट हमें पढ़ना है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर के बारे में। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। अल्फा सल्फर को हम रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर ये S8 मॉलिक्यूल में मिलते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है ऑक्सीजन से इसकी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल में मिलते हैं, और ये क्राउन शेप बनाते हैं, क्राउन शेप बनाते हैं। देखो आप ये क्राउन शेप बनाते हैं, ठीक है। एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ क्राउन शेप ऐसा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें एसिड मॉलिक्यूल के अलावा एक और मिलता है, S6 मिलता है, और ये ओपन चेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ओपन चेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। ये तीन तरीके के वेरिएंट्स हमें पढ़ने हैं। अल्फा सल्फर को अगर मैंने 369 डिग्री से ज्यादा पे हीट किया,
तो ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? इसके नीचे ये स्टेबल होता है, इसके नीचे ये स्टेबल होता है अल्फा, और इसके बाद ये स्टेबल होता है। तो 369 याद रहेगा, 3 + 6 = 9 याद कर सकते हो। इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। बात समझ में आई? और प्लास्टिक सल्फर जो होता है, प्लास्टिक सल्फर, इसको देखते हैं। जब मोल्टेन सल्फर को हम पानी में डालते हैं, मोल्टेन सल्फर को पानी में डालते हैं और कूल करते हैं तो हमें प्लास्टिक सल्फर मिल जाता है। सिंपल थियरी है, समझना है आपको, थोड़ा बहुत जानना है इसके बारे में, ठीक है। इसको लिखिए, SO2 की बात करूँ तो बेंट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, SP2, क्लियर है। प्रिपरेशन सल्फर को ऑक्सीडाइज करो लिमिटेड एयर में तो SO2 मिल जाता है। जब पटाखे हम जलाते हैं तो जो सुबह सुबह आप जगोगे तो अजीब स्मेल आती है, वो सल्फर की स्मेल होती है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है कि हमने जिप्सम को हीट किया कार्बन के साथ, तो ये हमें दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस CO2, क्लियर। CO2, और इस तरीके से SO2 हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं। प्रॉपर्टीज कलरलेस और स्मेल ऑफ सल्फर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो एसिडिक नेचर का होगा। बोलो भाई, एसिडिक नेचर का होगा कि नहीं होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, देखो आप, ये H2SO3 देगा, तो ये बेस के साथ रिएक्ट भी करेगा, सॉल्ट देगा, समझ में आया। रिड्यूसिंग नेचर भी होता है इसका, SO2 +4 पे है, +6 पे जाने की टेंडेंसी रखता है, रिड्यूसिंग नेचर भी रहता है। रिड्यूसिंग नेचर का कारण है वो है नेसेंट हाइड्रोजन। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई हाइड्रोजन निकाल रहा है तो वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसको नोट डाउन करिए, अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्लोराइड और इसके साथ SO2 का रिएक्शन करा दूँ, तो ये इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग नेचर है, तो ये इसको इसके क्लोराइड पर भेज देगा, क्लोरीन को इसके क्लोराइड पर भेज देगा और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करेगा। वैसे ही अगर मैंने पोटेशियम आयोडेट ले लिया और SO2 ले लिया, तो ये खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा, बोलो भाई, प्लस ये यहाँ पे +5 पे है तो इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और हमें K2SO4 मिल जाएगा, क्लियर। सारे के सारे रिडॉक्स हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ये +4 पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये +6 पे चला गया, ये +5 पे था तो ये 0 पे चला गया। और एग्जांपल देखते हैं, परमैंगनेट आयन लेते हैं और इसमें SO2 डालेंगे, तो फिर से ये +7 पे है तो इसको +2 में कन्वर्ट कर देता है, डिकलराइज कर देता है,
अगला देखते हैं, Cr2O7 टू नेगेटिव, SO2 ऐड करो, ये इसको Cr2O3 पे भेज देता है। यहाँ पे देखो +6 पे था, यहाँ पे +3 में ग्रीन कलर दे देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिया Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट +3 पे है ये, ठीक है, और इसको मैंने SO2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो Fe SO4 में कन्वर्ट कर देता है +2। ये अपने ब्राउन कलर की थी, या रेडिश ब्राउन कह लीजिए, और ये ग्रीन मिल जाता है। तो यहाँ से हमें रिड्यूसिंग नेचर पता चल रहा है सबका। ऑक्सीडेशन नंबर से आप देख लीजिए, सारे ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हैं, यहाँ +7 है, यहाँ पे +2 है, ये +2 होगा, Mn+2। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप देख लेना, कभी कभी होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, उतना ध्यान नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो एक बात और है, ये तो ये इसका रिड्यूसिंग नेचर है, अब अगर इससे अच्छा रिड्यूसिंग कोई मिल गया तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ध्यान देना। अब देखो ज़रा यहाँ पे, ये रिड्यूसिंग नेचर का था, लेकिन ये इससे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। फिर से समझो, ये रिड्यूसिंग नेचर का शो कर रहा था अभी तक, लेकिन ऑलरेडी सल्फर यहाँ -2 पे है, सल्फर यहाँ -2 पे है, तो ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मान लो इसको मैंने बोला Re2 और ये Re1 रिड्यूसिंग एजेंट 1, तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये +4 से खुद को रिड्यूस करेगा और इसको -2 से ऑक्सीडाइज करेगा, तो टोटल हमें 0 पे मिलता है सल्फर। वही मैं बता रहा हूँ, H2S यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लिख भी लेना SO2XH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई इससे स्ट्रॉन्ग आ गया तो वहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, लिखिए इसको। अब आप बताना, जैसे मान लो मैंने लिया SnCl2 प्लस SO2 Hg2Cl2 प्लस SO2 प्लस HCl, CO प्लस SO2, रिएक्शन आप बताओ Fe+SO2। तो देखो यहाँ पे अभी ये +2 पे है, Sn+2 पे है, और Sn स्टेबल किस पे होता है, +4 पे, तो यहाँ पे SO2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो खुद को अगर रिड्यूस करता है तो ये सल्फर मिल जाता है हमें, और SnCl4 मिल जाता है। यहाँ पे देखो आप Hg+1 पे है ना भाई, और एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, याद आ रहा है नाइट्रिक एसिड में आपको, यहाँ मैंने HNO3 लिया था कंसनट्रेटेड, और यहाँ Hg लिया था, तो Hg2+ पे जा रहा था, और जब डाइल्यूट लिया था तो बताओ Hg2+ पे जा रहा था, तो यहाँ पे भी ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Hg+2 पे जाएगा भाई, तो भेज दो भाई ये कोलाइडल सल्फर, ये +1 से +2 पे गया, और ये +4 से 0 पे गया, ठीक है, +H2 हुआ। यहाँ पे देखो ये +2 है, अनस्टेबल है ना भाई, तो CO2 +4 में स्टेबल हो गया +S। यहाँ पे देखो FeO +FeS +2 में स्टेबल होता है, बात समझ में आई क्या, लिखो इसको। एक और कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है Na2H2O3.5H2, सोडियम थायोसल्फेट। देखो आप, अगर मैं Na हटा देता हूँ तो यहाँ लगा देता हूँ मान लो H2H2O3, ठीक है H2H2O3,
इसमें से मैंने एक एच, इसमें से मैंने एक एच को हटा के एक ऑक्सीजन ऐड किया, एक एच को हटाया और एक ऑक्सीजन ऐड किया, तो ये बन गया H2SO4। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया H2SO4। तो बेसिकली ये है क्या, H2H2O3। देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, एक हटा दो S, तो ये मिल गया हमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तरीका है, तो अगर ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, दो हटा दो H और Na लगा लो, तो क्या हो गया Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। समझ में आया, सोडियम थायोसल्फेट। ये प्रिपरेशन देखते हैं, तो जैसे NaOH लिया और इसमें सल्फर का रिएक्शन कराया, तो NaOH अगर आपने पढ़ा होगा तो NaOH सल्फर के साथ रिएक्ट करे या फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, तो ये देगा सोडियम थायोसल्फेट प्लस H2S। बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो आप, यहाँ पे ये प्लस टू में है और ये माइनस टू में है, एवरेज जीरो आ गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया प्रिपरेशन का, और दूसरा एक और तरीका है कि सोडियम सल्फाइड में हमने सल्फर को लिया और बॉयल कर दिया इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें फिर से Na2H2O3 मिल जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। अगर आपको याद होगा तो इसका यूज हम हाइपो में करते हैं, हाइपो कंपाउंड्स, टाइट्रेशन में आपने देखा होगा ये, क्लियर, समझ में आया। और ये क्लोरीन के रिमूवल के लिए भी काम आता है, ये जो है ना कंपाउंड अपना, ये क्लोरीन के रिमूवल के लिए भी काम आता है, तो इसको एंटी क्लोर भी बोलते हैं, हाइपो भी बोलते हैं, एंटी क्लोर भी बोलते हैं। समझ में आया? देखो तो बहुत सारे सरफेस से क्लोरीन हटाने का काम आता है, डाइंग सरफेसेस में क्लोरीन को हटाने का काम आता है ये, तो इसको एंटी क्लोर भी बोलते हैं, एंटी क्लोर। टाइट्रेशन में यूज करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, आइडियोमेट्रिक, आइडियोमेट्रिक आपने देखा होगा, उसका यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वो आपने इक्विवेलेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन करिए, इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। H2O2 ये भी आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। प्रिपरेशन देखते हैं, बेरियम परऑक्साइड ले लिया हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड अगर नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, और इसका हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी प्लस H2O2, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें क्या करते हैं, ये अपना 2-ethyl anthraquinol, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो ये हमें देता है 2-ethyl
एंथ्रा क्यूनॉन, यहाँ पे कीटोन बन गया ना भाई, एंथ्रा क्यूनॉन प्लस H2O2, रिडक्शन कराएंगे तो वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें विस्कोसिटी होती है, तो विस्कस लिक्विड है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो सॉल्युबल भी होगा वाटर के साथ। इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है, डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी वाटर से ज़्यादा होता है। सब चीज़ में वाटर से ज़्यादा होता है, बस मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 221, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 221 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का कितना होगा बताओ, वाटर का हो जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट है H2O2 का, वाटर का कितना होगा बताओ भाई, 373 केल्विन। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बात समझ में आ रही है, लिखिए इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, और ये दोनों आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोबारा से, मैं ज़रा बात बताता हूँ आपको। सोडियम मेटाबोरेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है ये कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्सोबोरेट। और यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करके उनको विजिबल लाइट्स में कन्वर्ट करता है, तो इसका यूज हम करते हैं डिटर्जेंट्स में, सोप्स में। सफ़ेदी तुझे सलाम, टाइड की सफ़ेदी, समझ में आया। तो ये सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्शन करता है परऑक्साइड, और ये सोडियम परऑक्सोबोरेट बनाता है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाला बहुत सारे रिएक्शंस आपने देखा होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, क्लियर। अब बात आती है टेस्टिंग ऑफ H2O2। तो पहला K2Cr2O7, ऑरेंज कलर का होता है भाई, इसमें मैंने मिलाया H2O2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cr5 पे प्लस H2O। Cr5 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सत्यम तुम्हारा ये डाउट था कि यहाँ पे ये परऑक्साइड जो है, यहाँ पे आपने जब देखा होगा आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो सत्यम का डाउट ये था कि सर ये ओ लिगेंड है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो अगर ये मेटल के साथ बनाएगा तो तीन की रिंग बनेगी, और तीन की रिंग तो नहीं बननी चाहिए, तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, IIT ये पूछ चुकी है ये पूछ चुकी है IIT, ये डी ब्लॉक में दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा ऑरेंज कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें परऑक्साइड की टेस्टिंग का पता चल जाता है। इसको लिखो, अगला टेस्टिंग देखते हैं। जब हम फॉर्मल डिहाइड लेते हैं,
जब हम फॉर्मल डिहाइड लेते हैं और इसको परोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको। यहाँ पे देखो आप एल्डिहाइड है, ये इसको कन्वर्ट करेगा एसिड में, तो फॉर्मिक एसिड बना देगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ हमने लिया पायरोगेलोल, पायरोगेलोल एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो जब ये रिएक्शन हम डार्क रूम में कराते हैं, डार्क रूम में कराते हैं तो येलो कलर का थोड़ा थोड़ा लाइट दिखता है, तो उससे पता चलता है कि ये H2O2 के साथ रिएक्ट किया हुआ है। समझ में आया? H2O2 की टेस्टिंग करते हैं। जब आप IIT में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको लैब मिलेंगे, तो लैब में एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डार्क रूम, और वहाँ पर लाइट वाले सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कि थोड़ा जैसे बोला ये केस है, तो ये केस है केमिकल इल्यूमिनेशन का, मतलब कि केमिकल जो हो रहा है वो ग्लो कर रहा है, ऐसे समझो। तो ये क्या है, ये क्या है केमिल्यूमिनेशन का केस है, केमिकल इल्यूमिनेंस का सीन है, मतलब केमिकल जो हो रहा है वो ग्लो कर रहा है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन परोक्साइड है। बात समझ में आई? सीट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, जो भी डाउट्स आया उसको पूछो, बहुत अच्छे से सीट सॉल्व करो। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से IIT पूछी किसी को नहीं मालूम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ वही चीज़। तो हमारा पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए, NCERT ज़रूर पढ़ना और सीट को सॉल्व करो।